रशिया का मून मिशन हुआ फेल, चांद पर पहुंचने से पहले ही लूना 25 हो गया क्रैश। आखिर क्या वजह थी कि लूना 25 अपने मिशन के आखिरी पड़ाव में पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च किया था, तभी से उसकी तुलना भारत के चंद्रयान 3 से किया जा रहा था। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान से एक या दो दिन पहले ही चांद के दक्षिण ध्रुवी वाले इलाकों में पहुंच जाएगा। इसी के कारण दोनों देशों के बीच स्पेस रेस शुरू हो गई थी। दोस्तों, रशिया ने 47 सालों के बाद एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करने के लिए लूना 25 को भेजा। उसे चांद पर 21 तारीख को लैंड करना था। अगर लूना 25 क्रैश नहीं हुआ होता तो 11 तारीख को लॉन्च किया गया, लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाता जिसने चांद पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग किया हो। लेकिन रशिया का यह सपना पूरी तरह से टूट गया। अब सवाल यह उठता है कि रोस्कोसमोस, जो खुद को दुनिया का सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो इस छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गया। दरअसल जब 14 जुलाई 2023 में भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने के लिए 40 से 42 दिन का समय लेगा। इस मिशन के लॉन्च होने पर हमारा देश भारत बहुत ही खुश था, क्योंकि भारत चांद के दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था और चंद्रयान 3 को अपने मंजिल की ओर निकले हुए करीब 25 दिन बीत चुके थे। लेकिन तभी अचानक रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया और इनका अचानक से लूना मिशन लॉन्च करना सभी भारतीयों को अजीब लगने लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी लूनर मिशन लूना 24 आज से करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मिशन लॉन्च करते समय रोस्कोस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने पर सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर यह चांद के दक्षिण ध्रुवी पर लैंड कर चुका होगा। लेकिन अचानक से 20 अगस्त के सुबह 9 से 10 बजे के बीच प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने के दौरान इसकी किसी तकनीकी खराबी के चलते यह चांद की सतह पर सीधा क्रैश हो गया। दोस्तों, अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जब लूना 25 चांद से 100 किलोमीटर की दूरी वाले कक्षा में चक्कर लगा रहा था, तो इसे सीधे 100 किलोमीटर की कक्षा से 18 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जा रहा था, लेकिन 18 किलोमीटर वाले कक्षा में जाने से पहले ही क्रैश हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब लूना 25 100 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की कक्षा में ले जाने के लिए जब डी बूस्टिंग की जा रही थी, तभी इन्होंने इनके इंजन को ज्यादा तेज कर दिया, जिससे कि लूना 25 चांद का चक्कर लगाने की बजाय चांद से टकरा गया और वहीं पर क्रैश हो गया। रोस्कोस के वैज्ञानिकों ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनका इसे संपर्क टूट गया। अगर दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो चंद्रयान 3 सभी डी बूस्टिंग के प्रक्रिया को पार कर चुका है। चंद्रयान 3 को अब सिर्फ चांद पर ही लैंड करना है। और आपको बता दें कि चांद के सतह पर लैंडिंग करने का जो आखिरी 18 मिनट होते हैं, वही सबसे मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि चंद्रयान 2 यहीं पर आकर क्रैश हुआ था। ऐसे में जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए जो सबसे चुनौतियों से भरा समय होगा, वो आखिरी 18 मिनट होगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लूना 25 मिशन क्या अपनी जल्दबाजी की वजह से फेल हुआ है, क्या इसका रीजन कुछ और है? हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।